अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ खट्टी मीठी भिंडी। ये हाफ के जी आधा किलो भिंडी है और मैंने इस तरह लंबी लंबी इनको काट लिया इस तरह से। और इसमें जो चीज़ें डाल रही हूँ मैं आपको बता दूँ, एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, चमची चाय की, आधी चमची कलौंजी, एक चमची सौंफ है ये, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चमची या एक चमची जितना आप पसंद करें हल्दी ले लें, ये एक चम्मच हब सॉल्ट है और आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, ये एक चम्मच कुटा हुआ लहसुन है, ये कुटा हुआ लहसुन आप कम खाना चाहें या नहीं खाना चाहें तो भी आपकी मर्जी के ऊपर है, ये एक चम्मच कुटी हुई अदरक है, ये मैंने इमाम दस्ते में दोनों कूट लिए, एक चमची चीनी है, आपकी मर्जी, बहुत से पसंद करते हैं खट्टा मीठा खाना और बहुत सों को पसंद नहीं होता फैमिली में, तो आप डालना चाहे तो डालें, अगर जब खा रहे हैं और नहीं डालना चाहते तो ना डालें। दो टमाटर हैं, दो अदर टमाटर बारीक बारीक लंबे काट लीजिएगा, प्याज बारीक काट लीजिएगा और ये हरी मिर्चें हैं और मैंने इनको इस तरह से काट लिया है सबको हरी मिर्चें, और ये धनिया है, अगर आप डालना चाहें डालें या ना डालना चाहें ना डालें। ये दो नींबू हैं, इनका रस निकाल लीजिएगा, और ये एक कप ऑयल है, अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़े फ्राई में तो आप ज़्यादा डाल लीजिए और अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा, ओके, और अगर ज़्यादा लगे तो कम कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसे बनाते कैसे हैं। व्यूअर्स, मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें कढ़ाई में और ऑयल गर्म हो गया है और अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ। मैंने 10 अदर लिए हैं क्योंकि हम मेरे यहाँ सब खाते हैं शॉप से चाय, और इनको मैंने काटा इसलिए कि अगर ये साबुत होंगी तो फिर ये बहुत खट्टी है ऑयल में, अब ये फ्राई हो जाएंगे गोल्डन हो जाएंगी तो मैं इनको उतार लूँगी। देखिए अब ये गोल्डन हो गई है और मैं इनको प्लेट में निकाल दूँगी, और आपको फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर लें। मैं निकाल दिए, और अब मैं इसमें ये भिंडी डाल दूंगी। और इसको मैं अब रख दूंगी गोल्डन होने के लिए, नमक बिल्कुल नहीं डालना अभी क्योंकि आप अगर नमक डालेंगे तो भिंडी का जो लेस है वो निकल जाएगा और भिंडी पे फ्राई नहीं होगी अच्छे तरीके से। अब मैं इनको भिंडी को थोड़ा गोल्डन कर लूँगी। देखिए अब ये भिंडी गोल्डन हो गई है, मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। अब मैं इसमें एक चमची नमक डाल दूंगी, एक चमची नमक, ज़्यादा नहीं, ये देखिए एक चमची नमक डालने के बाद मैं इसे अब चूल्हा बंद करके तवे उतार दूंगी या धीमी आंच पे करके इसे निकाल लूंगी बाहर प्लेट में इस तरह से। ये सब मैं निकाल लूंगी इससे, व्यूअर से मैंने भिंडी निकाल दी है और अब इसी ऑयल में मैं ये प्याज डाल दूंगी। दो प्याज ली थी मैंने और इनको मैंने बारीक कुटा लिया है, अब मैंने प्याज डाल दी इसमें
अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप ऑयल डाल सकते हैं, वरना जब आप इसमें भिंडी डालेंगी दोबारा से तो वो भी अपना ऑयल जो उसने उसके अंदर जज्ब हो गया था वो भी बाहर निकल आएगा, तो फिर हो सकता है ज़्यादा ऑयल हो जाए। ये प्याज थोड़ी सी बैठ गई है और अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। ये प्याज थोड़ी सी बैठ गई है, अब मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल रही हूँ जो मैंने कुतर लिए थे बारीक बारीक। ये सौंफ डाली 1 चम्मच, 1 चमची चाय की, आधी चमची कलौंजी, मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 चमची सफ़ेद जीरा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चमची 1 चमची जितना आप खाना चाहें हल्दी, ये कुटा हुआ लहसुन है 1 चम्मच, ये कुटी हुई अदरक है 1 चम्मच, और अब मैं नमक नहीं मिला रही पहले, और नमक मैं बाद में मिलाऊंगी। इन सबको मिला लें और इसको अच्छे तरीके से भून लें। अब मैं इसको भून लूंगी अच्छे तरीके से। देखिए व्यूअर्स, अब ये भून चुका है, अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी थोड़ा, हंसी जाएगा। अगर आप तेज खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और जिस तरह का आपको पसंद हो तो मिला के। और अब मैं इसमें ये भिंडी डाल, देखिए मैंने भिंडी डाल दी इसमें, और इसको मैं मिला लूँगी अच्छे तरीके से। और चूल्हे को थोड़ा स्लो कर दूंगी क्योंकि भिंडी को गलाने की तो ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी, ये तो ऑलरेडी गल चुकी है। अब ये भून चुकी है भिंडी, अब मैं इसमें ये 2 नींबू जो मैंने लिए थे उनका रस मैंने निकाल लिया, और बीज भी निकाल लीजिएगा। और चीनी मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरे घर में भी बाज़ अफराद हैं उन्हें पसंद नहीं है मीठा ज़्यादा, तो इस वजह से नहीं, वरना इसमें चीनी बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका नाम ही खट्टी मीठी भुनी हुई भिंडियाँ। और अब मैं इस पर ये हरी मिर्ची जो मैंने फ्राई की थी ये रख दूंगी ऐसे, और इसको दम पर 10 मिनट के सिर्फ इस पर ढकना रख दूंगी, सिर्फ 10 मिनट के मैं इस पर ढकना रख दूंगी। वीवर्स, 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ, इसे इसका ढक्कन उठा रही हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है, और मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और इसे मैं डिश में निकाल, मेरी भुनी हुई भिंडियाँ खट्टी मीठी बिल्कुल रेडी और तैयार है। व्यूअर्स, खट्टी मीठी भिंडियाँ तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स दीजिए मुझे, शुक्रिया बहुत बहुत। इसे खाइए, देखें आपको भी पसंद आएगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें हमेशा। अल्लाह हाफिज़।